आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स क्या हैं और हम कैसे उसको अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनका कैसे हम यूज़ करते हैं, वो सब हम आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो होते हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। मतलब कि जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें वो हमारे कहलाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? एंजाइम इज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन्स है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ? कैसे बढ़ाते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्या होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या करती हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर अ प्रोटीन दैट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड वी ऑल्सो कैट एंड ऑल्सो सेड दैट एंजाइम्स आर दोज प्रोटीन विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वाई लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जीज। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एंजाइम एक बार एक रिएक्शन में यूज़ हुआ है, उसे हम फिर से दूसरी रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रीयूजेबल प्रॉपर्टी। ओके, अब अगर हम इनके केमिकल नेचर की बात करें तो इनका केमिकल नेचर क्या होता है? तो ये हमारे आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन, राइबोसाइम, एवजाइम, ये हमारे कुछ होते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। तो क्या होते हैं एंजाइम्स हमारे? एंजाइम्स हमारे एक तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और इन्हें हम बाकायदा रीयूज भी कर सकते हैं। अगर केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर इनका आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, एवेंजाइम एग्जैक्टली हो सकता है। अगर जैसे मान लो ये हमारा एंजाइम है, तो इस एंजाइम पे कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है एस, ठीक है? ये सबस्ट्रेट इससे आके बाइंड करेगा और ये बनाता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर हमारा बनाता है प्रोडक्ट। और जब ये प्रोडक्ट बनाता है तो हमारा एंजाइम ये अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो रीयूजेबल प्रॉपर्टी होती है वो
डिफाइंड होती है। कैसे? एंजाइम सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम हमारा सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम द रिएक्शंस। ओके, एंड दिस इज अ एंजाइम एंड दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। ओके, अब हम देखते हैं एंजाइम की इम्पोर्टेंस की, हमारे एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जैसे हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल हो गई, हमारी कैल्विन साइकिल हो गई, फॉस्फेट, हमारी HMM पाथवेज हो गई, जितने भी पाथवेज होते हैं उन सब में जितनी भी हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और हमारी एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एंजाइम हमारी डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल हमारा ब्लड में बढ़ जाता है, ब्लड में जिनका अगर लेवल बढ़ जाता है तो वो इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, उसका भी इंडिकेशन मिल जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। इसके अलावा हम इसका यूज़ करते हैं हमारा थेरापेटिक यूजेस में। थेरापुटिक में कैसे ऐसे यूज़ होते हैं, मतलब मान लो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर द हेल्प ऑफ थेरापुटिक ट्रीटमेंट। किस कौन से एंजाइम्स का? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंस होती है एंजाइम्स की। हमने एंजाइम्स क्या होती है ये डिस्कस किया और हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी। अब हम देखते हैं कि जो हमने कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं और कैटलिस्ट भी वो होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो अब हम जो हमारे फिजिकल कैटलिस्ट होते हैं और जिसे हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कहते हैं, उसमें और हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में डिफरेंस, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये अपनी रिएक्शंस तभी परफॉर्म कर सकते हैं जो हमारी कंडीशन थर्मोडायनामिकली फेवरेबल होती है। कौन सी? जब कोई भी हमारी थर्मोडायनामिकल पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं वहीं पे हमारे ये कैटलिस्ट अपनी रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकती हैं, थर्मोडायनामिकली पॉसिबल रिएक्शंस। ठीक है, ये जो होते हैं इसे हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन जैसे मान लो अगर हम आर नॉट यूज्ड और चेंज, मतलब अगर कोई हमने एक रिएक्शंस परफॉर्म कर दी है उस प्रोसेस के दौरान हम इसको यूज़ या फिर उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई एक रिएक्शन हो गई तो मतलब वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और यूजली एक्ट करती है वाई ट्रांसफॉर्मिंग आर
ट्रांसिएंट कॉम्प्लेक्स विद द रिएक्टेंट। ये जो करती है क्या करती है क्या करती है, यूजली फॉर्मिंग मतलब एक बनाती है ट्रांसिएंट कॉम्प्लेक्स, किसके साथ, रिएक्शंस के साथ, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उसके साथ एक ट्रांसिएंट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है, और इसके बाद ही ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स होते हैं किसके, कैटलिस्ट, किसके, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के। अगर अब हम बात करें फिजिकल कैटलिस्ट, अपने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के, जो है हमारा एंजाइम, तो इसका क्या करें, ये कुछ नहीं करता है, ये क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन, ये जो एनर्जी है मतलब जो रिएक्शंस हो रही है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक न्यू पाथ को क्रिएट करता है, क्या करता है, एक न्यू पाथ बना देता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये सेंसिटिविटी परफॉर्म शो करता है किसके लिए, पीएच, टेम्परेचर, एग्जैक्टली के लिए, और जितनी भी हमारे एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज होता है। ये नहीं है कि हम एक ही एंजाइम को बहुत सारे रिएक्शंस में यूज कर लें, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होती है, स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन मतलब ये नहीं है कि हम एक ही एंजाइम को, मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, इसमें हमारा एंजाइम E1 है और एक एंजाइम हमारा E2 है, तो ये नहीं कि E1 भी S के साथ रिएक्ट कर जाएगा और E2 भी S के साथ रिएक्ट कर, ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है और एक, और तभी वो आपस में बाइंड करते हैं। स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के फॉर्म में, मतलब अगर स्पेसिफिसिटी नहीं होगी तो एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, और अगर सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा तो हमारे आगे की जो रिएक्शंस होती हैं वो परफॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे एंजाइम्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट करके सबसे पहले क्या है, ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, कितने टाइम, 10^8 से लेके 10^11 तक रिएक्शंस को फास्ट कर देता है। ठीक है, अगर मान लो कोई रिएक्शन है वो 1 सेकंड में, मतलब मान लो टाइम कोई एक्स टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो ये क्या करेगा, उसके रेट को, मतलब कि 10^10 से लेके 8 से लेके 11 टाइम इंक्रीज कर देगा, मतलब बहुत जल्दी परफॉर्म कर देगी। ठीक है, तो ये किस का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसके अलावा ये है सब्जेक्ट रिएक्शन, रिएक्शन विच प्रोसीड विद एट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड पीएच कंडीशन। इसमें अगर हमें कोई भी रिएक्शंस को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसके लिए अगर कोई एंजाइम है वो पीएच उसका 7 है तो न्यूट्रल कंडीशन में ही एक्टिवेट होगा। अगर हम उसे उसके पीएच को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैटलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस यूटिलाइज्ड फॉर इट, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करते हैं, जो मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में आपको डिफाइन किया था। किससे बाइंड करेंगे? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से। इसीलिए क्या कहा गया है, स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैटलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइज्ड फॉर इट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो अगर कोई एंजाइम है उसकी शेप ये है और कुछ सबस्ट्रेट है हमारे जो इस तरीके के हैं, तो देखियो इसका जो शेप है वो हमारा इस तरीके का है, ठीक है। पर हमारे एंजाइम जो सब्सट्रेट है वो इस तरीके का भी, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स हैं, सब्सट्रेट हैं, ये डायरेक्ट इससे बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए वही सब्सट्रेट बाइंड करेगा जो इसमें फिट हो जाएगा। जैसे ये, तो इस पे जो सब्सट्रेट बाइंड करेगा वो वही करेगा जो इसमें फिट हो जाएगा, और कोई भी सब्सट्रेट इससे बाइंड नहीं कर सकता। इसीलिए ये सब्सट्रेट स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं। कौन कौन से? सब्सट्रेट स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही बाइंड करेगा, कुछ भी बाइंड नहीं कर सकता। अगर हम मान लो इसकी जगह, मान लो ये जो है हमारा इसकी जगह, सोचे कि ये बाइंड कर जाए तो ये बाइंड नहीं करेगा। इसीलिए जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट और स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट इज वेरी ब्रॉड, मतलब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें तो वो काफी ब्रॉड आता है, नैरो नहीं आता है, काफी ब्रॉड आता है। और ये जो एंजाइम्स होती हैं हमारे, वो बहुत सारी जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूजफुल रहते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस को कंट्रोल भी करते हैं। मतलब मान लो कोई रिएक्शंस है वो काफ़ी हमारी बढ़ ना जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं वो, मान लो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, मान लो उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है, इंसुलिन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी रेगुलेट करने का जो काम होता है वो हमारा एंजाइम ही करता है। तो ये हमारी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंजाइम्स की। अब हम देखते हैं इसकी कैटलिस्ट पावर ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। देखते हैं हम क्या देख रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कैटालिटिक पावर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, कि कोई भी अगर एंजाइम है वो कैसे एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट या फिर स्पेसिफिक सबस्टेट के साथ बाइंड करता है और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए कैटालिस्ट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एंजाइम, अब
अगर कोई भी एंजाइम है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ दो तरीके से बाइंड करेगा। पहला क्या तरीका है, पहले या तो वो उसके फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, फंक्शनल ग्रुप का हमारा क्या होगा ट्रांसफर, और ये फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर किस किसके बीच में होगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में, और दूसरा हमारा होगा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ये भी हमारी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में होगी, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो गया या फिर कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और यहीं पे हमारा रिएक्शंस जो होगी वो परफॉर्म होगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे जिसे हमने सबसे लिखा है, ये क्या होगा एक्टिवेट हो जाएगा, अब ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, हम वैसे तो हमारा प्रोडक्ट बनता, अब हमारी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारा जो एंजाइम है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। एक बात और है, यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो कभी कभार जैसे जब लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी हो रही होती है तो वहाँ पे कुछ हमारी ना एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में ना नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस भी होती हैं। तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और नेक्स्ट हमारी आयनिक इंटरेक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब हम समझते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, कि जो एंजाइम्स होती हैं उनकी एक्टिव साइट क्या होती हैं। इतनी देर से हम सब लोग डिस्कस करे जा रहे हैं कि एंजाइम बाइंड करता, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन वो बाइंड कहाँ करता है, वो क्या होता है। तो फिर अब हम वो डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि बाइंड करता है, बाइंड करता है, बाइंड करता है, लेकिन कहाँ बाइंड करता है, कैसे बाइंड करता है, क्यों बाइंड करता है और कैसे एक्टिवेशन परफॉर्म करता है, अब हम वो देखते हैं। तो देखो जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स की वो साइट जिसपे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, एंजाइम्स की वो साइट जिसपे आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो साइट हमारी कहलाती है एक्टिव साइट। एंजाइम की वो साइट जिस पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है वो हमारी कहलाती है एक्टिव साइट। अच्छा, ये जो एक्टिव साइट होती है वो एक स्पेसिफिक पॉकेट या क्लिफ्ट की जगह होती है, स्पेसिफिक पॉकेट और एक
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एंजाइम, तो उसकी ये जो साइट है ये हमारी कहलाएगी एक्टिव साइट। और देखिए पॉकेट की तरह है कि इसमें कोई भी चीज़ हम लोग रख ले, ठीक है। तो जो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ये बहुत ज़्यादा लार्ज, हमारा जो लार्ज मॉलिकुलर वेट का प्रोटीन्स होता है उसको भी कैरी कर सकती है। इसको लार्ज मॉलिकुलर वेट की प्रोटीन्स को भी कैरी कर सकती है ये एक्टिवेशन साइट। और यही एक्टिवेटिंग साइट होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। यहीं पे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर यहीं पे पूरी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है अब हम वो देखते हैं। देखिए मान लो ये हमारा एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक हमारा है सबस्ट्रेट, ठीक है, ये हो गई हमारी एक्टिव साइट। ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट, ये हो गया हमारा। अब क्या होगा, एंजाइम ये हमारा सबस्ट्रेट इस पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये जो क्या बना, ये क्या बना, ये बना हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो रिएक्शंस थी वो सारी परफॉर्म हुई और परफॉर्म होने के बाद हमारा प्रोडक्ट बना और ये बना हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब नाउ हमारा जो एंजाइम है वो अलग रिलीज हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलग रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इस एक्टिव साइट पे एंजाइम अपनी रिएक्शंस को परफॉर्म करती हैं। कैसे, सबसे पहले ये हमारा एंजाइम, ये हमारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट, ये हमारा सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट आया और इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया। ये बाइंड करने के बाद इसने बनाया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारे रिएक्शंस परफॉर्म हुई और हमारा बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद हमारा एंजाइम्स अलग हो गया और हमारा प्रोडक्ट अलग हो गया। तो इस तरीके से हमारी एक्टिव साइट पे रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव साइट।
सबसे पहली बात इसकी कैरेक्टर क्या है, ये स्पेसिफिक होती है। ये क्या परफॉर्म करती है, क्या शो करती है, हमारी स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये हर किसी चीज से, हर किसी हर एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाइंडिंग होती है यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ इसकी, वो बहुत सारे वीक इंटरेक्शन के साथ हो सकती है। वीक इंटरेक्शन हमारा नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हो सकते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम से वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू बाइंड कर सकता है। नॉन कौन सी इंटरेक्शन, नॉन कोवेलेंट। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कौन कौन सी होती है हमारी, हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक इंटरेक्शंस, जो हमने अपनी लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा देर आर अ कॉन्टैक्ट एंड कैटालिटिक रीजन इन अ एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट होती है उस एक्टिव साइट पे हमारा कॉन्टैक्ट एंड जो हमारा कैटालिटिक रीजन होता है वो प्रेजेंट होता है, और यही साइट होती है जिस पे हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्टिव साइट के। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी की। एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या है? एंजाइम हैव अ वेरिंग डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्टेंस। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं, स्पेसिफिसिटी तो मैं आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड से डिस्कस कर रही हूँ कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे स्पेसिफिसिटी ही परफॉर्म करते हैं। देखो, ये मे बी रिकॉग्नाइज एंड कैटालिटिक। अब इसमें कैसे हम, मतलब कैसे स्पेसिफिसिटी होती है, कैसे स्पेसिफिक हो सकती है, वो हम देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये किस किस चीज के लिए हो सकती है स्पेसिफिसिटी, अब हम वो डिस्कस करते हैं। मतलब कि स्पेसिफिसिटी हमने समझी, स्पेसिफिसिटी एक्टिव साइट को होती ये भी हमने समझी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट सब्सटेंस के लिए होती वो भी समझी, लेकिन अब किस किस तरीके से होती है, कितने टाइप की होती है, अब वो देखते हैं। तो जो स्पेसिफिसिटी होती है वो हमारी हो सकती है अ सिंगल सबस्ट्रेट, मतलब एक सिंगल सबस्ट्रेट के लिए हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा यूरिएज एंजाइम, जिसमें हमारा है यूरिएज। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, यूरिएज। यूरिएज ये क्या करता है, ये करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये जो यूरिएज एंजाइम होता है वो सिर्फ यूरिया को ही बाइंड करेगा और हाइड्रोलिसिस को परफॉर्म करेगा। दूसरी ये स्पेसिफिसिटी किसके लिए हो सकती है, ये हो सकती है आ ग्रुप ऑफ सिमिलर सबस्ट्रेट। कि मतलब ये सबस्ट्रेट के सिमिलर, जितने भी हमारे सबस्ट्रेट वो एकदम सिमिलर्स होंगे, उन सारे सबस्ट्रेट के लिए वो एंजाइम एक्टिविटी शो करेगा। जैसे जिसका एग्जाम्पल है हमारा हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज है ये क्या करता है, जितने भी हमारे फॉस्फेट ग्रुप, ये हेक्सोन्स जितने भी होते हैं हमारे, क्या होते हैं, हेक्सोन्स।
उन सब में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है हमारा कौन सा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। जितने भी हमारे हेक्सोन्स होंगे उन सब में किसको ऐड करेगा, हमारे फॉस्फेट ग्रुप को। नेक्स्ट है हमारा अ टाइप ऑफ बॉन्ड, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए कैसे करेगा, ये क्या करेगा, एक कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन से उसको कैटलिटिक करेगा फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसे हमारा क्रियो, जो हमारा एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है हमारा ट्रिप्सिन और क्रियोमेट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन, एक हमारा एंजाइम होता है कि मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ, काइमोट्रिप्सिन, CH। ये जो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये एंजाइम कैटलिस्ट करता है किसको, किसकी, ये जो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है ये जितने भी कहीं भी इसे अगर पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा क्या देखेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, उसको हाइड्रोलिसिस कर देगा। किसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की। मतलब जो एंजाइम स्पेसिफिसिटी हुई वो कितने टाइप की हुई, तीन टाइप की, पहला एक सिंगल सबस्ट्रेट के लिए, अ ग्रुप ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट एंड एन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सिंगल सबस्ट्रेट के लिए एग्जांपल हमने देखा यूरिएस, इसी क्या करता है सिर्फ यूरिया को हाइड्रोलिसिस करता है। दूसरा सिमिलर सबस्ट्रेट, जिसमें जो सबस्ट्रेट होंगे वो सिमिलर्स होंगे, जैसे हमारा हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस क्या करेगा, जितने भी हमारी हेक्सोन्स होंगे उन सब में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा। उसको नहीं मतलब है कि कंपाउंड का नाम क्या है, क्या है नहीं मतलब उसे, उसे सिर्फ इतना पता है कि अगर हेक्सोन्स है तो उसे फॉस्फेट ऐड करना है और वो फॉस्फेट ऐड कर देगा। तो ये है हमारा एक हेक्सोकाइनेस का एग्जाम्पल। इसके अलावा अब एक है पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है क्राइमोट्रिप्सिन एंजाइम। क्राइमोट्रिप्सिन एंजाइम है वो जितने भी हमारे पेप्टाइड बॉन्ड, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहीं भी मिलेगा वो उसे ब्रेक कर देगा। उसको नहीं फर्क पड़ता है कि वो हमारा इंसुलिन का पेप्टाइड बॉन्ड है या फिर किसी और प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से, अगर उसे जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा वो उसको ब्रेक कर देगा। तो दिस इज अ एंजाइम स्पेसिफिसिटी, एंजाइम और एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कि वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एंजाइम एक पर्टिकुलर इस वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो हम तो हमने अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में और एक्टिवेशन साइट के बारे में। आगे जो एंजाइम एंजाइम की मैकेनिज्म होती है वो अपने अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो आईटीएलएस अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ऑल्सो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आईटीएलएस अकेडमी। थैंक यू।